ऐसी कंपनी है जिसमें ना कोई कर्मचारी है, ना कोई व्यापार होता है, ना कोई टर्नओवर है, और इस कंपनी ने केवल एक ही काम किया जब से कंपनी बनी, तेजस्वी यादव के लिए संपत्ति खरीदने का काम, ये एकमात्र काम इस कंपनी ने किया है। अब आप पूछेंगे 4 लाख में इसके मालिक कैसे बन गए, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डिंग होती है, कंपनी का मालिक वही होता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, और जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होगा वो इतना बड़ा हिस्सेदार हो जाएगा उस कंपनी का। तो एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 97% शेयर है तेजस्वी प्रसाद यादव का, 97%। और ये 97% शेयर कितने में खरीदा उन्होंने, तो केवल 4 लाख रुपए में इस कंपनी का 97% शेयर उन्होंने खरीद लिया। और लालू जी की एक बेटी है चंदा यादव, और चंदा यादव ने 7,000 रुपया खर्च कर पूंजी लगा कर बाकी बचे 7,000 3% शेयर या 7,000 शेयर खरीद लिया। यानी आज इस कंपनी में 97% शेयर होल्डिंग तेजस्वी यादव की है और 3% शेयर होल्डिंग ये चंदा यादव की है। यानी एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसमें ना कोई कर्मचारी है, ना कोई व्यापार है, ना कोई टर्नओवर है, और जो 1996 में स्थापित हुई और उसने अपने पूरे कार्यकाल में एक ही काम किया, वो काम किया तेजस्वी यादव के लिए मकान खरीदने का काम। और शुरू में इस कंपनी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंदा यादव और रागिनी लालू इस कंपनी के डायरेक्टर थे। तो डायरेक्टर कोई बन सकता, लेकिन शेयर होल्डर हर कोई नहीं बन सकता, जो शेयर खरीदेगा वही शेयर होल्डर बनेगा। लेकिन इस कंपनी का डायरेक्टर भी थे लालू के परिवार के लोग, तेजस्वी, तेज प्रताप, चंदा, रागिनी, और शेयर होल्डिंग तो उन दोनों के पास थी जो 100% शेयर होल्डिंग थी। वर्तमान में उस कंपनी की डायरेक्टर है रागिनी लालू, जो लालू जी के एक और बेटी, चौथी या पांचवी बेटी, उसकी डायरेक्टर है। और एक सिवान के बढ़रिया के उनके बहुत विश्वस्त एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शरीकल बारी, ये माधोपुर बढ़रिया के रहने वाले हैं, वो उसके दूसरे डायरेक्टर हैं। यानी दो लोग इसके डायरेक्टर हैं और दो लोग इसके शेयर होल्डर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो D1088 का जो आलिशान मकान है, इसको खरीदा कैसे गया, पैसा कहाँ से आया? तो 2007-08 में 5 करोड़ रुपए में इस मकान को जमीन सहित खरीदा गया। पैसा कहाँ से आया? तो बॉम्बे के 5 हीरे के व्यापारियों ने 1-1 करोड़ रुपया उस कंपनी को लोन दिया, और ये जो लोन दिया बिना ब्याज के लोन दिया। जब भी कोई किसी को ऋण देता तो ब्याज सहित मांगता कि हमको ब्याज भी मिलेगा उसके बदले में। तो मुंबई के 5 हीरे और हीरे जवाहरात सोना चांदी का काम करने वाले व्यापारियों ने इस कंपनी को 1-1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में देने का काम किया। 15 साल हो गया, आज तक न तो वह 5 करोड़ वापस हुआ और न ही जो है ब्याज का पैसा का कोई भुगतान किया गया। और 7-8 में इसी पाँच करोड़ की राशि से 500 वर्ग मीटर का मकान जमीन सहित खरीदा गया। दिल्ली में चलता वर्ग मीटर, तो 500 वर्ग मीटर का जमीन सहित मकान जिसकी उस समय कीमत थी 4,54,00,000 या करीब 5 के जमीन सहित करीब 5 करोड़ में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। उसमें तेजस्वी, तेज प्रताप उस कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं थे, लेकिन जिस समय यह संपत्ति खरीदी गई एबी एक्सपोर्ट्स के द्वारा उस समय लालू प्रसाद यादव भारत सरकार में रेल मंत्री थे। और इस एबी एक्सपोर्ट का रेलवे की कुछ कंपनियों के साथ भी संबंध था। 2014-15 में पुराने मकान को तोड़कर और नया मकान बनाया गया, और इस नए मकान को बनाने में
तेजस्वी यादव ने 4,10,00,000 रुपया कर्जा दिया।